आपने अभी तक TMT चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे। नमस्कार, TMT न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आमना खान। इंदौर जिले के ग्राम गुजरखेड़ा में चल रहे अवैध मांस दुकानदारों ने रविवार दोपहर अवैध मांस दुकान के पास ही निवास कर रहे प्रेस फोटोग्राफर के परिवार पर हमला बोल दिया। इस घटना में दो महिला सहित 7 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक गांव में लंबे समय से अवैध रूप से रहवासी क्षेत्र में मांस की दुकान संचालित हो रही है। यहीं के रहने वाले दैनिक अखबार के प्रेस फोटोग्राफर आकाश पाल ने इस अवैध मांस दुकान की शिकायत SDM व महू थाने में की थी। उसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। इस घटना में 7 लोग घायल हुए हैं। घटना में घायल सभी लोगों को शासकीय मध्य भारत अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर के MY अस्पताल में रेफर किया गया है। आज ये विवाद क्या कारण रहा किसी? मेरा भतीजा पुराने घर पे मेटल में रात डालता था, वहाँ ठेला रखा था थोड़ा हमारी जगह पे, तो उन्होंने कुछ करा होगा, कुछ बोला है, तो भतीजे ने हमें फोन करा कि कुछ ये मगजमारी कर रहे हैं, हमारा जाना और हम वहाँ पहुँचे और उन्होंने हमला कर दिया। अब एक साथ कम से कम 20-25 लोग थे। तो महिला किन पे करा, आप पे ही करा या फिर और कोई? सभी पे, हम भतीजे, मैं भतीजा, भाभी और भतीजी मेरी बाद में आए थे, लेकिन इनको भी, मेरी भाभी शुगर पेशेंट है, उनको भी धक्का दे दिया और पत्थर से मारा, पेट में लगी है, पीठ में लगी है, गिरा के हमें सभी को मारा है। मेरे भतीजे का एक का हाथ टूट गया है। आज शाम को करीब 1-1.5 घंटे पहले जो है गुजरखेड़ा में दो पक्षों में विवाद हो गया था, जिसके कारण थोड़ा सा फिजिकल वायलेंस हुआ है और जिसमें दो पक्षों के अंदर लोगों को चोट आई है, जिसमें दो लोग एक पक्ष के थे और 7 लोग एक पक्ष के थे और उनमें से 4 लोगों को गंभीर चोटें लग रही हैं जिनको हमने MI रेफर कर दिया है और उसके बाद वहाँ पे जो उनका इलाज हो रहा है। सर, एक पक्ष में बता रहे हैं 7 लोग थे, तो क्या उसके अंदर गंभीर चोटें या महिलाएं या बच्चे हैं, क्या और भी कोई था? 3 महिलाएं थीं और बाकी ये सारे मेल्स हैं, लेकिन जेंट्स हैं और उन लोगों को बहुत ज़्यादा कोई गहरी चोटें नहीं लगी। उनके 4 लोग हैं जिनको चोटें हैं, उनको हमने MI ऑलरेडी भेज दिया है ताकि वो आगे का इलाज कर सकें। नाम बताइए सर। डॉक्टर हंसराज, सिविल हॉस्पिटल।